हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपी टेट में पूछे गए कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले अभी यूपी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और सारे क्वेश्चंस को समझ करके इसके टेक्निक को अपनाने का प्रयास करें। दोस्तों इस तरह के टेक्निक आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं टेट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आजकल के एग्जाम में देख रहे हैं टेट के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ने लगा है, और अगर आपको टेक्निक नहीं आएगा तो आप एग्जाम में टाइम अधिक लगाएंगे, इसलिए आप टेक्निक को समझिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों कहता है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। दोस्तों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत ही आसान है। देखिए अगर यदि लंबाई गुना चौड़ाई एरिया होता है, इसका मतलब कि लंबाई अगर 60% बढ़ाएंगे और चौड़ाई अगर पहले कुछ भी नहीं बढ़ा होगा, तो मान लीजिए कि एरिया 100 था, तो भैया अगर लंबाई 60% बढ़ेगा तो भैया एरिया भी 60% बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर हमने मान लिया कि क्या है चौड़ाई को हमने अस्थिर रखा हुआ है, तो जो एरिया पहले 100 था अब वो लंबाई के बढ़ने से कितना हो गया, 160 हो गया। तो अब कहता है कि भाई कितना हम चौड़ाई को कम कर दें कि हम पहले के एरिया के बराबर हो जाएं, यानी क्षेत्रफल ना बदले, यानी जो 100 था वो 100 फिर से हमको मिल जाए, तो 160 से 100 आने के लिए आपको 60 कम करना पड़ेगा। तो ये 60 कम कहां से कर रहे हैं आप, 160 से, तो इसको आप परसेंटेज निकाल दीजिए 100 से गुना करके। ये काट दिए, 4 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 25, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, तो 25 या 75 उसका बटा 2, 75 बटा 2 होता है 37.5%। यानी अगर आप चौड़ाई को 37.5% कम करते हैं तो लंबाई 60% बढ़ने के बावजूद भी आपका जो एरिया है वो पहले के हिसाब से बिल्कुल सेम रहेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन आपको? आप देख रहे हैं कि आयत या वर्ग से जुड़ा हुआ ये सब सवाल जो है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको प्रोसेस नहीं टेक्निक की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने है यह क्षेत्रमिति का आयतन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या होगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो घन होता है, घन में बताइए कितनी भुजाएं होती हैं, पहले आप ये बताइए। अगर हम एक घन को बनाएं तो आप देखिए ये एक घन है, तो घन में कुल भुजाएं कितनी होती बताइए। देखिए 1, 2, 3, 4, अगर 4 इधर तो 4 उधर 8 होगा, 8 और 9, 10, 11 और उधर से 1, 12, यानी किसी भी घन में भुजाओं की संख्या दोस्तों 12 होता है, और यहां तक कि घनाभ में भी भुजाओं की संख्या 12 होती है। बस अंतर यह है कि घन में सारी भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अब देखिए हमको निकालना क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसा होगा, देखिए जैसे मान लेते हैं, जैसे ये दस्तर कोई मान लीजिए कि आप भाई घन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पृष्ठ होंगे। तो अगर ये 6 पृष्ठ होगा तो हमको इसको 6 पृष्ठों का क्या करना होगा, एरिया एक साथ निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि अगर ये घन है तो सभी पृष्ठ समान होंगे, तो एक पृष्ठ का निकाल लेंगे एरिया और उसको हम 6 से गुना कर देंगे। तो अगर सभी पृष्ठ समान है और घनाकार है तो एक पृष्ठ वर्ग के बराबर होगा। दोस्तों कैसा होगा, वर्ग के बराबर होगा, और अगर वर्ग के बराबर होगा दोस्तों तो एक वर्ग का स्क्वायर होता है, सॉरी एरिया होता है भुजा का स्क्वायर, उसको 6 से गुना कर देंगे। तो ये जो संपूर्ण पृष्ठ का एरिया होता है ये होता दोस्तों भुजा स्क्वायर गुने 6, ठीक है। तो कहता है कि घन का जो आयतन है संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। तो भाई भुजाओं का योग अगर यदि 12 भुजा है और सब अगर दी एक समान है तो सबको हम ए मान लेते हैं, तो 12 भुजाओं का योग कितना हो गया, 12 ए हो गया। ये क्या है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब, यहां से एक काट देंगे 2 बचेगा, यानी ए स्क्वायर का मान दोस्तों कितना आ गया, 12। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया तो वो होता है 6 × भुजा स्क्वायर, तो 6 × भुजा स्क्वायर का मान निकाले हुए हैं 12, तो 12×6 = 72, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। कितना बेहतरीन ढंग से देखिए डाटा को सेट किया जाता है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आप बहुत ही कम टाइम में क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपका एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन दिया गया है और इस बार सीटेट के एग्जाम में जो 21 में एग्जाम हो रहा है वो एग्जाम में एलसीएम एससीएफ से बहुत क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेट टेट या तो यूपी टेट या कोई भी टेट हो उसमें आपको एलसीएम एससीएफ का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। खास करके ये वाला टाइप बहुत अधिक पूछा गया, कहता कि दो संख्याओं का एससीएफ 6 है और एलसीएम 432 है, यदि एक संख्या 48 दूसरी संख्या क्या होगी। ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए रूल होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एससीएफ। ठीक है, तो पहली संख्या है 48, दूसरी हमको पता करना है और एलसीएम है 432 और एससीएफ दोस्तों 6 से काटेंगे कटेगा 8 बार में, 8 से काटोगे भाई तो कटेगा 8 × 5 = 40 और ये हो जाएगा 8 × 6 = 32, यानी आपका दूसरी संख्या का मान दोस्तों निकालना 54, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 54। देखिए ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपका भाजकता से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों कल जो मैंने वीडियो आपका डाला है यूपी टेट पर उसमें भी मैंने एक भाजकता से सवाल दिया था और वह सवाल था 9 से जुड़ा हुआ, और देखिए आज सवाल आपके सामने 8 से जुड़ा हुआ। कहता है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं, यानी इन चारों संख्याओं में से एक से ज्यादा संख्या भी हो सकती है कि वो 8 से कटे, क्योंकि देखिए कूट कैसा दिया हुआ, या तो 1 3 4 कटेगा, या तो 2 3 कटेगा, या तो 1 2 कटेगा, या फिर 1 और 3 कटेगा। तो अब क्या लगता है कि 8 से भाजकता चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सारे ऑप्शंस को काट के देखेंगे? तो इसी में तो आप अगर भी काट के चेक करेंगे तो इसमें आप फेल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आप चारों ऑप्शंस को 8 से कटा करके चेक करेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको यहां पर करना यह होगा कि 8 का जो टेक्निक है भाजकता से चेक करने का उसको आप अब यहां पर ट्राई करेंगे। देखिए क्या कहता है, कहता कि सबसे पहले आप किसी भी संख्या के सैकड़ा स्थान पर जाएंगे। 8 का भाजकता का नियम कहता है कि आप किसी भी संख्या के सैकड़ा स्थान पर जाएंगे और सैकड़ा स्थान पर अगर आपको सम मिलता है, सम समझते हो ना भाई कि जो 2 से कटे वो सम है, तो अगर सम संख्या मिलता है तो केवल अंतिम 2 8 से कटना चाहिए। देखिए सम मिल रहा है सैकड़ा स्थान पर तो अंतिम 2 यानी कि 40 8 से कटता है लेकिन 20 नहीं कटता है, 2 आपका उत्तर नहीं होगा। अगर 2 आपका उत्तर नहीं होगा तो बी और सी आपका उत्तर हो ही नहीं सकता है। अब बचता ए और डी में। देखिए हम 3 चेक कर लेते। देखिए यहां पर क्या है, सैकड़ा स्थान पर क्या है दोस्तों, देखिए 1 है और 1 सम नहीं विषम है, तो विषम होने पर याद रखिएगा विषम होने पर अंतिम 2 में 4 जोड़कर चेक करते हैं। तो भैया अंतिम 2 यहां से 28 यहां से 24 है, तो अंतिम 2 में 4 जोड़ो तो 28 4 32 और 24 4 28। अब बताइए कि 8 से कौन कटेगा, 32 की 28 28 4 32, ये 32 हो गया और ये कितना हो गया 28, तो बताओ 8 से कौन कटेगा, 32 कटेगा। इसका मतलब कि 3 आपका उत्तर होगा, चौथा नहीं होगा। कैसे बनाया मैंने, आप समझे बात को, कि अगर यदि सैकड़ा स्थान पर सम है तो अंतिम 2 में 4 नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट 8 से कटाना है। तो देखिए डायरेक्ट 8 से कट रहा है कौन कौन, 40 कट रहा है, 20 नहीं कट रहा है, खत्म करो इसको। लेकिन अगर विषम संख्या सैकड़ा के स्थान पर है तो अंतिम 2 में आपको 4 जोड़ के चेक करना होगा। देखिए 28 में 4 जोड़े, 24 में 4 जोड़े, तो 28 4 32 8 से कट जाएगा, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 दोनों। बात समझ में आ रहा है? तो ये 8 के नियम को आप अच्छे से लिख भी लें, और जिसको भी 8 का नियम इस तरह का नहीं पता होगा तो 8 का नियम का मैंने वीडियो बना के डाला हुआ नंबर सिस्टम में, आप जाकर के नंबर सिस्टम का प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर आप 8 की भाजकता को सर्च कर लीजिए मेरे नाम से, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं क्योंकि कल जो वीडियो मेरा आएगा उसमें यूपी टेट और अन्य भी टेट में पूछे गए कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन का वीडियो होगा, बहुत ही लंबा वीडियो होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के सारे टाइप आपको देखने को मिल रहे होंगे और या तो आगे आने वाले टेट में आपको मिलने वाले होंगे। तो आज का वीडियो यहां हम रोकेंगे इस क्वेश्चन को बता करके। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 4/9 10/21 और 20/63 का महत्तम संवर्तक क्या होगा। देखिए जब हमको एससीएफ निकालना है भिन्नों का,
तो भिन्नों का एचसीएफ में ऊपर का एचसीएफ निकलेगा और नीचे का एलसीएफ निकलेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिना बनाए भी आप मार सकते। देखिए अगर नीचे का एलसीएम निकले दोस्तों, तो एलसीएम में क्या करना है कि 9, 21 और 63। देखिए एलसीएम का आपको टेक्निक बता रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा। जो संख्याएं दी गई है इसका एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़े वाले को उठा लो। तो क्या 63 21 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, 21 से 63। 9 से कटेगा? 9 से 63 आराम से कट गया। यानी कि इसका उत्तर में नीचे 63 होना चाहिए, यानी कि आपका ये उत्तर और ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि 2 के नीचे 63 हमको दिख रहा है। अब देखिए 4, 10 और 20, इसमें क्या कीजिए, इसको अगर भी आपको बनाना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ का आपको एक हम ट्रिक बता रहे हैं कि क्या कीजिए कि सबसे छोटा वाला उठा लीजिए 4। और देखिए क्या 4 से सब संख्या कट रही है? 4 से कट रही है, तो 4 से नहीं कट रही है। तो जब 4 से नहीं कट रही है तो क्या कीजिए, 4 को तोड़ दीजिए। तो 4 में आपको 2 मिलेगा। आप किसी से एक से भी चेक करिए, तो देखिए 2 से सब कट रहा है तो ऊपर दोस्तों आपका होगा 2, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या करना है, बड़ा वाला उठाना है और चेक करना है कि बड़ा वाला सबसे कटता है कि नहीं कटता है। एचसीएफ में सबसे छोटा वाला उठाना है और चेक करना है कि वह अंक सबको काटता है कि नहीं काटता है। यानी 4 जो एचसीएफ है उससे हमको कटवा के चेक करना है कि भाई ये इससे कटता है कि नहीं कटता है, और एलसीएम खुद कटता है कि नहीं कटता है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।